हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने चिकन बिरयानी बनाई है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। बहुत मज़ेदार चिकन बिरयानी है, आई होप यू विल लाइक इट, तो स्टे ट्यून। तो शुरुआत इस तरह से की है कि दो मसाले लिए हैं, एक चिकन बिरयानी का मसाला है और एक जो है कौरमे का मसाला है। जी हाँ, इसमें कौरमे का मसाला मिक्स कर रही हूँ मैं। आधा कौरमे का मसाला डालूंगी और आधा चिकन बिरयानी का मसाला डालूंगी। ये अदरक है, अदरक का पेस्ट है, और ये जो है लहसुन का पेस्ट है। तो अब इसको इन सारे मसालों के साथ चिकन को मैरिनेट करना है। जिस प्याले में आपको बनाना है, सॉरी जिस पतीले में आपको बनाना है, जिस पैन में आपको बनाना है, उसी में इसको मैरिनेट करना है। देखिए, मैंने आधा बिरयानी का मसाला डाला, आधा कौरमे का मसाला डाला और फिर उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। उसके बाद मैं डाल रही हूँ ऑयल, और मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ इसके अंदर, लेकिन आप जितना चाहें ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद मैं इसके अंदर एक लीमू डालूंगी, लीमू को काट के अच्छी तरह से चिकन के अंदर निचोड़ दूंगी। उसके बाद मैं ऐड करूंगी दही। दही भी आप अपनी मर्ज़ी से कितना भी डाल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन मैं 3 से 4 चम्मच जो है वो दही डालूंगी, और ये 1 किलो चिकन है। उसके बाद दही में इसके साथ मिक्स करने के बाद हरी मिर्च और पुदीने को जो है वो पीस लूंगी, दोनों को थोड़ा थोड़ा सा काटने के बाद, और थोड़ा सा पानी डाल के, और फिर इसके अंदर इसको मिक्स कर दूंगी, इसका जो पेस्ट है हरी मिर्च और पुदीने का। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैं चूल्हे पर चढ़ा दूंगी तकरीबन दरमियानी आँच पर पकने के लिए। और मीनवाइल मैं जो है वो प्याज को स्लाइस करना शुरू करूँगी स्लाइसर से। उसके बाद मैं एक फ्राई पैन में तेल गरम करूँगी, और जब तेल अच्छी तरह से गरम हो जाएगा तो उसमें प्याज डाल दूँगी। ये तेल मैं सिर्फ प्याज तलने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बिरयानी में इस्तेमाल नहीं होगा। और जो तेल मैंने बिरयानी चिकन के अंदर डाला है, बस मैं उतना ही तेल इस्तेमाल करूँगी। उसके बाद मैं प्याज को छान लिया है और इस तरह से निकाल के रख लिया है। अब एक पतीले में मैंने पानी गरम किया, उसके अंदर नमक डाला, और नमक डाल के मैं उसमें चावल उबाल रही हूँ। देखिए, तकरीबन चावल उबल चुके हैं और ये होंगे 70% गले हुए, बिल्कुल गलाया नहीं है इनको, कंप्लीट नहीं गलाया। उसके बाद मैंने चावलों को छान लिया है और छान के साइड पर रख दिया है। इधर चिकन पक गई है जो अभी तक चूल्हे पर चढ़ी हुई थी, और ये तकरीबन इस तरह का इसका हो गया है मसाला, कि थोड़ा थोड़ा सा मसाला रहता है, ना बहुत ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। अब इसके ऊपर मैं चावल डालना शुरू करूँगी। मैं चावलों की सिर्फ 1 लेयर लगाऊँगी। चावलों के लिए लगाने के बाद मैं उसके ऊपर टमाटर डालना शुरू करूंगी। और जब टमाटर डल जाएंगे तो मैं उसके ऊपर पुदीना, कटा हुआ पुदीना डाल दूंगी। पुदीना डालने के बाद मैं उसके ऊपर तली हुई प्याज डाल दूंगी जो मैंने तल के रखी थी। और जब पूरी प्याज अच्छी तरह से डल जाएगी तो थोड़ा सा जिस तेल में मैंने इस प्याज को तला था उसके 2-3 चम्मच ऊपर से डाल दूंगी। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 2 तरह का रंग, एक ऑरेंज कलर डाल रही हूँ मैं, ये दोनों खुश कलर डाली हूँ, एक ऑरेंज कलर है और जो दूसरा कलर डालूंगी वो है रेड कलर। ये दोनों कलर मैं चावलों के ऊपर डायरेक्ट भी डाल सकती थी, मगर मैं भूल गई थी तो इसीलिए मैं ऊपर से डाल रही हूँ। आप चाहें तो चावलों के ऊपर डाल दीजिएगा, एक ही बात है। ये देखिए, कलर मैंने दिखा दिया, एक ऑरेंज था और एक रेड है। दोनों कलर को डालने के बाद मैं इसको ढककर हल्की आंच पे 20 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। उसके बाद मैंने 20 मिनट के बाद आपको चावल खोल के दिखाए हैं। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी, ये ऑप्शनल है, अगर आपका दिल चाहता है मिक्स करने का तो मिक्स कीजिए, वरना इसी तरह भी लोग निकाल के खा लेते हैं, एक ही बात है प्लेट में। ये सब प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। मैं अच्छी तरह मिक्स इसलिए कर रही हूँ कि मुझे बिल्कुल मसाला चावलों में मिक्स हुआ हुआ अच्छा लगता है। मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ी सी देर के लिए, कम से कम 10 मिनट के लिए मज़ीद रख दूँगी, तो मसाला इन चावलों के अंदर अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएगा। और 10 मिनट के बाद मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, वोइला, बिरयानी इज़ रेडी। और बहुत ही ज़बरदस्त और यमी बिरयानी है, बहुत क्विक और इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत है, इसका टेस्ट बहुत यमी था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे बाज़ार की बनी हुई बिरयानी है।
देख की बनी हुई बिरयानी है। तो enjoy this recipe and give me a thumbs up। So I hope you like this video। और बहुत आसान बिरयानी का तरीका है, आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। मज़ेदार भी थी और क्विक भी थी, विद इन 40 मिनट्स बन गई थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।